बिजनेस आज जिस वीडियो पर हम बात करेंगे, आज जिस बिजनेस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के जरिए, अगर आप उस बिजनेस को चलाते हैं ना, तो आपके बच्चे तो बहुत खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आज उन्हीं के मतलब की चीज़ है जिसका बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। खाने पीने वाली चीज़ है जैम्स एंड जेलीज। जी हाँ, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है जैम्स एंड जेलीज, और जब भी मार्केट में जाते हैं तो तमाम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जेलीज को देखकर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और खाने के लिए ज़िद करते हैं। लेकिन कई बार मन में ख्याल आता है कि बाज़ार की है, कैसी होगी। तो आप अपना बिज़नेस शुरू कर लीजिए, ये भी हाइजीन का भी ख्याल रख लीजिए, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। घर का बिज़नेस होगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। तो चलिए बिना देर के आपको बताते हैं कि जैम्स एंड जेलीज का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कितने पैसे लगेंगे, कितना मुनाफा होगा, किस स्तर पर आपको किस लेवल की मशीन्स लेनी पड़ेंगी। अगर आप स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, और कई लोग जेलीज बनाते भी होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब आप किसी चीज़ का बिज़नेस शुरू करते हैं तो ढेर सारा अमाउंट में कोई भी चीज़ है उसका प्रोडक्शन होता है। यानी कि अगर आप घर के लिए बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आप 10-12 जेलीज बना देंगे, लेकिन अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको ढेर सारा रॉ मटेरियल चाहिए, ताकि आप जो डिमांड है जैम्स एंड जेलीज की मार्केट में वो पूरी कर सकें। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या मशीन्स इसके लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो बात बजट की ही कर लेते हैं, क्योंकि बजट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं सोच सकते। लाभ हानि वो तो दूर की बात है, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के भी नहीं सोच सकते। तो चलिए बजट पर बात कर लेते हैं। यदि आप घर से ही बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए का खर्च आएगा। वहीं छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करने में 2 से लेकर 4 लाख रुपए तक का खर्च आएगा, और अगर बड़े स्तर पर आपको बिजनेस करना है तो 10 लाख तक खर्चा आएगा। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको कंपनी के लिए एक नाम भी सोचना होगा, और उसी नाम पर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। दरअसल हमारे देश में खाने की जितनी भी चीज़ें बाजार में बेची जाती हैं, उन सभी कंपनीज के पास ये लाइसेंस होना जरूरी है। FSSAI लाइसेंस के अलावा आपको वैट पंजीकरण भी करवाना होगा, और ये पंजीकरण आप लोकल अथॉरिटी के दफ्तर में जाकर करवा सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई बजट की, और साथ ही साथ किस तरह से आप रजिस्टर कराएं। अब बात कर लेते हैं मशीनरी की, कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे बना सकते हैं। वो तो मशीन से ही पॉसिबल है। तो आइए बात करते हैं मशीनरी। जैम और जेली बनाने के लिए आपको पल्पर, मिक्सर, जूस एक्सट्रैक्टर, स्लाइसर, कैप सीलिंग मशीन और बर्तन धोने वाली मशीन की ज़रूरत होगी। देश भर में कहीं भी आप मशीन खरीद सकते हैं। हमने भी कुछ वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप मशीन ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। पल्पर, मिक्सर, जूस एक्सट्रैक्टर, स्लाइसर जैसी मशीनें 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएंगी। वहीं कैप सीलिंग मशीन, बर्तन धोने वाली मशीन की कीमतें 25,000 रुपए से शुरू होती हैं। लेकिन बड़े स्तर पर बिजनेस करने के लिए आपको पूरी तरह से ऑटोमेटिक यूनिट स्थापित करना होगा, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। अब चूंकि सेटअप कितने में और कैसे लगना है ये पता चल गया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है रॉ मटेरियल। जैम और जेली बनाने के लिए आपको कई तरह की सामग्री चाहिए, और ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाती है, जैसे फ्रूट, उसके बाद जरूरत होती है पेक्टिन, एसिड, सिट्रिक एसिड और शुगर की। इसे आप अपने शहर की किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ भी किराने की दुकान में नहीं मिलता तो आप इसे भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नीचे बताए लिंक पर जाकर आप पेक्टिन पाउडर का ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बता दें कि 1 किलोग्राम पेक्टिन पाउडर की कीमत 1500 रुपए है। वहीं अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। वहीं 1 किलो सिट्रिक एसिड लगभग 70 रुपए का आता है। इस बिज़नेस के लिए आपको कितने लोगों की ज़रूरत है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर बिज़नेस छोटे स्तर पर है तो इसके लिए 2 लोग काफ़ी हैं। वहीं अगर बिज़नेस को मध्यम स्केल पर शुरू करना है तो 5 से 8 लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, और बड़े स्केल पर शुरू करने के लिए 30 से अधिक लोगों की जरूरत होगी। तो देखा आप, जैम्स एंड जेलीज का बिजनेस जो है वो कम लागत में घर से ही शुरू कर सकते हैं, और जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो भी जैम्स एंड जेलीज बनाने के लिए चीजें सामग्री यूज होनी है, वो आपको नजदीकी किराना स्टोर से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सब लिंक दे रखे हैं। फिलहाल मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन
वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, क्योंकि हम बार बार आपसे कहते हैं, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जब बताते हैं कि इस चीज़ का बिज़नेस शुरू करना है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस लेवल का वीडियो बनाएं और एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें। इसके अलावा आप आप बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट्स आप तक पहुँचें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।